आपको बताते चलें कि अलीज़ा ख़ान का अपने शोहर अदाकार फिरोज़ ख़ान से अलहदगी का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक शोबिस की मशहूर जोड़ी अदाकार फिरोज़ ख़ान और इनकी अहलिया अलीज़ा ख़ान के दरमियान इख्तलाफात की तस्दीक हो गई है। अलीज़ा ख़ान की जानिब से इंस्टाग्राम पर जारी किए गए पैगाम में अपने शोहर पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए अलहदगी अख्तियार करने का ऐलान किया गया है। आपको बताते चलें कि अलीज़ा ख़ान का कहना है कि 4 साल तक जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का निशाना बनती रही हूँ। शादी के 4 साल इंतहाई तलख रहे। शोहर की बेवफाई, ब्लैकमेलिंग और तजरीर भी बर्दाश्त करना पड़ी। इंतहाई सोचो विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं अपनी जिंदगी इस हौलनाक तरीके से नहीं गुजार सकती। अलीज़ा ख़ान ने मजीद लिखा है कि फिरोज़ ख़ान ने से अलहदगी का फैसला अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और बहबूद के लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस जहरीली और पुरतशद्दुद घराने में परवान चढ़ें। मुझे डर है कि कहीं इनके साथ गुजारा वक्त मेरे बच्चों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब न करें। उनका मजीद ये कहना था कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि कोई जख्म इतना गहरा नहीं होता कि मंदमिल ना हो सके। कोई जख्म इतना शर्मनाक नहीं कि इसे तहफ्फुज़ की कीमत पर छुपाया जा सके। यहाँ वाजह रहे कि अलीज़ा ख़ान और फिरोज़ ख़ान के दरमियान इख्तलाफात की खबरें काफ़ी अरसे से ज़ेरे गर्दिश रहीं। ताहम कभी भी फिरोज़ ख़ान और अलीज़ा ख़ान की जानिब से इन खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। अब पहली मरतबा अलीज़ा ख़ान ने सामने आकर अपने शोहर के इख्तलाफात की तस्दीक करते हुए न सिर्फ संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं बल्कि अलहदगी अख्तियार करने का भी ऐलान कर दिया है। याद रहे कि फिरोज़ ख़ान और अलीज़ा ख़ान का एक बेटा और एक बेटी के वालदेन हैं। इस केस के हवाले से कोई मजीद अपडेट आती है तो हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए वाहजोग एंटरटेनमेंट।